नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने सोमवार को कहा कि कोविड 19 के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट में वायरस के पहले हमले के 90 दिनों बाद फिर से संक्रमण की संभावना 3 गुना ज्यादा अधिक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महज 5 घंटे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश ने दोस्ती मजबूत करने के 28 समझौते पर मुहर लगा दी है। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी से लेकर सैन्य सहयोग, ऊर्जा साझेदारी से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी के अनेक मुद्दे शामिल है। साथ ही संयुक्त बयान जारी कर अपनी दोस्ती को शांति, प्रगति और समृद्धि की साझेदारी करार दी है। वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने कर्मचारियों के लिए सरकार एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने की तैयारी में है, जो घर से काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति एम्प्लॉयर के दायित्व को परिभाषित करेगा। वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर सरकार एक कानूनी ढांचा तैयार करना चाहती है, जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित रेल भवन के परिसर में लगे एक ऐतिहासिक भाप इंजन को यहां से हटाकर एक संग्रहालय पहुंचा दिया गया। इसके स्थान पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रकृति स्थापित कर दी गई है। जिस इंजन को यहां से हटाया जा रहा है वो बी क्लास का रेल इंजन है और इसका नाम लोको संख्या 799 है। इसका निर्माण यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर विकी कौशल इसी हफ्ते शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की शादी राजस्थान के सेवा माधोपुर के पैलेस में शाही अंदाज में होने वाली है। बताया जा रहा है कि 7 से 9 दिसंबर तक 3 दिन तक शादी के फंक्शंस होंगे। शादी फंक्शन शुरू होने के एक दिन पहले सोमवार को अभिनेता विकी कौशल और कैटरीना कैफ राजस्थान के सवाई माधोपुर में अपनी शादी के लिए मुंबई से रवाना हुए थे। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार जोश के साथ नजर आ रहा है। निफ्टी ने एक बार फिर से 17,100 का लेवल पार कर लिया है, जबकि सेंसेक्स में करीब 900 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी ने आज इंट्राडे में 17,171.60 का हाई लगाया है। इसी के तहत सेंसेक्स ने भी आज इंट्राडे में 57,642.24 का हाई लगाया। सेंसेक्स निफ्टी आज दोनों ही 1.5% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहे हैं। निफ्टी के 50 में से 47 शेयर हरे निशान में है। झारखंड में विकास की गति को तेज करने के लिए नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की तरफ से पूरे किए जाएंगे। पहला ओडिशा के संबलपुर से रांची तक एक्सप्रेसवे बनेगा और इसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक सड़क बनाने की योजना है। ये एक्सप्रेसवे और मांझी से गोला होते हुए बोकारो तक जाएगा। इसकी लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। इसके अतिरिक्त रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जो बिहार से झारखंड में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों से सख्त लहजे में कहा कि वो मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहे। सदन में मौजूद रहने की सख्त हिदायत के अलावा पीएम मोदी ने सांसदों को लोगों के हित में काम करने के लिए भी कहा है। ग्लोबल मार्केट में मिले पॉजिटिव संकेतों से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। बाजार में चौतरफा खरीदारी से मंगलवार को कारोबार के दौरान 1000 अंकों से ज्यादा बढ़कर ये देखा गया, जिसमें बैंकिंग, ऑटो, मेटल, रियलिटी शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। फिलहाल सेंसेक्स 840 अंकों की बढ़त के साथ 57,587 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 236 अंक चढ़कर 17,150 के स्तर पर है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 949.32 अंक था। यह 1.65% लुढ़क कर 56,747.14 पर बंद हुआ था। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता जारी कर दी है और सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रदेश में विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच करवाने के अलावा हर एक संक्रमित मरीज का जीनोम परीक्षण किया जाएगा। महंगाई के इस दौर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का वजन घटाने की तैयारी की जा रही है। घरेलू इस्तेमाल में आने वाले करीब 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों का वजन घटाया जा सकता है। राज्यसभा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में इस बात के संकेत दिए हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वजन घटाने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि अभी 14.2 किलोग्राम के भारी भड़कम सिलेंडर की वजह से महिलाओं को परेशानियां होती हैं, इसलिए इसका वजन घटाकर 5 किलोग्राम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने खाद कारखाने और एम्स समेत 100 अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया है। अभी सभी को बता दें कि अब पीएम फर्टिलाइजर परिसर में जनसभा को संबोधित करते देखे गए थे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए स्कूल एसोसिएशन ने आने वाले बुधवार को ऑफलाइन कक्षाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। आप सभी को बता दें कि साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली परिवार को घर देने की तैयारी शुरू कर दी है। इन परिवारों को लखनऊ पहुंचने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंप दी गई है। पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू बंगाली परिवार के लिए सरकार ने नया आशियाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। योगी ने कू पर लिखा कि शिव अवतारी महायोगी बाबा गोरखनाथ जी के पावन धरा गोरखपुर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सैन्य हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इनके नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है, लेकिन कल के मुकाबले आज मामले कम आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,822 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 220 लोगों की जान चली गई है। देश में अब तक कोरोना से ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 मामले आ चुके हैं। याद रख ले कि भारत अपने को पूर्ण रूप से विकसित होने का दावा उसी दिन ही कर सकेगा जब हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में दलित उद्योगपति एंटरप्रेन्योर हमारे यहाँ होंगे। वैसे तो दलित राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह बन चुके हैं। विज्ञापन और विज्ञान, शिक्षा, खेल वगैरह की दुनिया में भी दलित समाज से संबंध रखने वाले नौजवान भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें अरबपति, खरबपति दलित उद्यमियों के सामने आने का इंतजार है। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने सोमवार को राष्ट्रीय टीम और टीम कप्तान विराट कोहली की प्रशंसा की। रवि शास्त्री ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर कोई टीम पिछले 5 वर्षों में टेस्ट मैच के लिए एक एम्बेसडर रही है तो ये भारतीय क्रिकेट टीम है। विराट टेस्ट मैच क्रिकेट की पूजा करते हैं जैसे कि ज्यादा टीम करती है, यहां तक भारत वनडे क्रिकेट और आईपीएल ज्यादा खेलते हैं। अभी हाल फिलहाल में हुई बारिश की वजह से टमाटर की कीमत एक बार फिर से आसमान पर चढ़ गई है। देश के कई शहरों में यह 30 से 83 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है, तो कई शहरों के खुदरा बाजारों में यह 100 से 140 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचा जा रहा है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के ज्यादातर शहरों के खुदरा बाजारों में सितंबर के बाद से ही टमाटर की कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई हैं। खासकर दक्षिण भारत के कई शहरों में भारी बारिश की वजह से कीमतों में तेजी का रुख बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 800 करोड़ के कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बहु कॉरिडोर परियोजना को प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के वास्तुकार भीमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर और डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक है वो आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर यानी कि कल तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी कड़ी में भोजपुर में शराब बरामदगी और धंधेबाजी की गिरफ्तारी में शिथिलता बरतने के आरोप में आरा टाउन थाना इंचार्ज शंभू कुमार भगत सहित 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आने वाले दिनों में 2 और स्वदेशी कोविड-19 टीके उपलब्ध होंगे, इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। मंडाविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 के पारित होने पर कहा कि दोनों नए टीकों के लिए तीसरे चरण के परीक्षण के आंकड़े जमा किए गए हैं। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अब भारत गौरव ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। इसमें प्राइवेट कंपनियां और टूरिज्म बोर्ड और ट्रैवल पोर्टल अपनी थीम बेस्ड स्पेशल ट्रेन चला सकेंगे। ट्रेन की थीम और डेस्टिनेशन प्राइवेट प्लेयर्स तय कर सकेंगे। स्पेशल ट्रेनों की किराए और कॉस्ट पर फैसला जल्द होगा। प्राइवेट ट्रेन के परिचालन के लिए IRCTC तेजी से काम कर रही है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को 15 अगस्त 2021 को लॉन्च कर दिया था, जिसकी डिलीवरी में देरी ग्राहकों को निराश कर रही है। फिलहाल अपने ग्राहकों के दर्द को समझते हुए ओला इलेक्ट्रिक के सह संस्थापक भावेश अग्रवाल ने इस बाधा के लिए खरीदारों से माफी मांगते हुए ट्विटर का सहारा लिया है। यूपी भाजपा के एक नारे को लेकर ट्वीट करना जावेद अख्तर को भारी पड़ गया है। इस बीच मशहूर लेखक और कवि जावेद अख्तर ने ऐसा ट्वीट किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई गई। दरअसल जावेद अख्तर ने यूपी भाजपा के एक नारे को लेकर तंज कसा था। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म तड़प को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। तड़प से ही आहान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अपने बेटे की शानदार लॉन्चिंग के लिए सुनील शेट्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि सिनेमाघरों में रिलीज से पहले मुंबई में एक प्रीमियर शो रखा गया था, जहां इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे। इन दिनों सिनेमाघरों में सलमान खान और आयुष शर्मा की अंतिम लगी हुई है और इस फिल्म को दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे में तड़प के लिए राह आसान नहीं मानी जा रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम की लोकप्रियता कोविड के समय में आसमान छू गई है। अब यह अभी भी सबसे अधिक
उपयोग किए जाने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में से एक है। इस ऐप के जरिए यूजर कंपनी से ने $25 का मुआवजा ले सकती है। दरअसल जूम ने कथित तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता से समझौता किया है। एक शख्स के वीडियोस ने पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। वो शख्स है तंजानिया के रहने वाले किली पॉल। किली एक टिकटॉक यूजर है। सोशल मीडिया पर हिंदी सिनेमा के गानों पर अपने वीडियोस बनाने के लिए काफी मशहूर है। पिछले दिनों उन्होंने जुबिन नौटियाल के गानों पर लिपसिंग करते हुए कई बेहतरीन वीडियोज बनाए थे जो सोशल मीडिया पर छा गए हैं। इसी कड़ी में किली में एक और गाने पर वीडियो बनाया है, लेकिन इस बार किली ने इस फेमस पंजाबी सिंगर हाडी संधू के हालिया रिलीज सॉन्ग बिजली बिजली को चुना है। बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण को लेकर कल वोट डाले जाएंगे, जिसके तहत जिन भी प्रखंडों में चुनाव होने हैं उसमें तैयारियां तेज हैं। और कल कई ऐसे प्रखंड हैं जो कि संवेदनशील इलाकों में घोषित किए जाते हैं, इसीलिए काफी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनू कुमार, रफीगंज म्यूजिक, पंचदेव कुमार, प्रवीण कुमार, मोहम्मद सईम, रवि कुमार, अखिलेश कुमार, सुदर्शन, यदुवंशी, ठाकुर दीपक, अल्तमाश जावेद, बीके यादव, भागेलू शाह, प्रेरणा कुमारी, पंकज कुमार, उमेश प्रकाश। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाहर के देशों में बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए क्या भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।